हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो टैली ईआरपी 9 को लेकर के है। टैली ईआरपी 9 से ही मुझसे क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि जो यूजर हैं जिन्होंने मुझसे सवाल किया है, जिन्होंने मुझे कमेंट किया है, उन्होंने ये पूछा है कि ईआरपी 9 वो यूज कर रहे हैं और उसमें अगेंस्ट रेफरेंस, न्यू रेफरेंस वाला जो विंडो ओपन होता है वो इनके में नहीं ओपन हो रहा है, तो आखिरकार क्या कारण है कि ये नहीं ओपन हो रहा है, तो इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो टैली ईआरपी 9 है उसको मैं ओपन कर लेता हूं। तो यहां से डबल क्लिक करता हूं, अभी देख सकते हैं हम रिसिप्ट वाउचर में हैं। अगर हम यहां पर एंट्री पास करते हैं, अब ये कंपनी की एकदम स्टार्टिंग की एंट्री है। अगर आप कंपनी बनाते वक्त ये एंट्री पास करते हैं, जैसे पहली एंट्री आप कंपनी बनाते वक्त करते हैं, तो यहां पर सबसे पहले अल्ट सी करके मैं कैपिटल अकाउंट का लेजर बनाता हूं। तो ये लिखा मैंने कैपिटल और फिर लिखा अकाउंट, ये हो गया कैपिटल अकाउंट, और इसे अंडर कैपिटल अकाउंट के ग्रुप में डाल करके और इसे एक्सेप्ट करवा लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब यहां पर कैपिटल कितनी इन्वेस्ट हो रही है वो आप यहां पर डाल दीजिए, जो भी इन्वेस्ट हो रही हो कैपिटल। यहां पर देखिए एक चीज है कि यहां पर क्रेडिट आ रहा है, लेकिन हमें यहां डीआर करना है, तो यहां टाइप कर दीजिए डीआर, बस यहां डीआर हो जाएगा, कैश को डीआर कर दीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, काम हो जाएगा। यहां पर कैश ही रख दीजिए, हो गया, बात वही है, ठीक है। तो ये एंट्री पास हो जाएगी। अब इसमें कहीं ये विंडो आई नहीं, कारण क्या था कि हमारे पास पुराना कोई पेंडिंग बिल तो है नहीं या कोई न्यू रेफरेंस तो हमें लेना नहीं है, हम ये कंपनी में पैसा रिसीव करा रहे हैं, इस वजह से वो चीज नहीं आई यहां पे, ठीक है। अब देखिए अब ये आएगा कैसे, आने के लिए शर्त क्या है कि आप एक एंट्री पास कीजिए। चलिए हम परचेज में एक एंट्री पास करते हैं। अब ये आ गया परचेज में, यहां पर सप्लायर का इन्वॉइस नंबर डाला, एंटर प्रेस किया। अब यहां पर कैश में ही अगर हम एंट्री पास करेंगे तो भी वो चीज नहीं आएगी, तो यहां पर हमें अल्ट सी करके एक लेजर क्रिएट करना होगा। लाइक यहां पर लिख देता हूं सुरेश, ठीक है, सुरेश हमारी क्रेडिटर पार्टी है, और यहां ग्रुप डालेंगे सन्ड्री क्रेडिटर, तो यहां से आप सन्ड्री क्रेडिटर डालना ना भूलें। यहां पर मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, इसको आपको एक्टिवेट रखना है, यानी ये यस रहेगा, ठीक है, ये बात ध्यान देनी है, ये यस रहेगा। एंटर प्रेस कीजिए, इसको एक्सेप्ट करा लीजिए, ये एक्सेप्ट हो गया, एंटर प्रेस करते हुए इसको भी एक्सेप्ट कराइए, ये हो गया। यहां पर लगाइए परचेज अकाउंट का लेजर, चूंकि हम परचेज में एंट्री पास कर रहे हैं तो परचेज अकाउंट लगा दीजिए, अकाउंट इस तरीके से परचेज अकाउंट कर दीजिए और एंटर प्रेस कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, ये अंडर परचेज अकाउंट के ग्रुप में डाल दीजिए, ठीक है, ये हो गया इस तरीके से, तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर कोई स्टॉक आइटम ले लेते हैं, लाइक हम ले लेते हैं कीबोर्ड, तो यहां पर लिखा के ई वाई बी ओ ए आर डी, कीबोर्ड लिख लिया, एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया। यहां पर यूनिट बनाना कंपलसरी है, तो यहां पर यूनिट बना लेते हैं एनओएस, एनओएस यानी नंबर्स, ठीक है, सिंबल इसको दे देते हैं एनओएस, और यहां लिख देते हैं नंबर्स, ठीक है, फॉर्मल नेम नंबर्स दे दिया, और एंटर प्रेस करते हुए इसको भी एक्सेप्ट करा लिया। अब यहां पर आएंगे तो मान लीजिए पांच कीबोर्ड की बात है और एक का रेट है 220 रुपए, ठीक है, ये डाल दिया हमने, टोटल कॉस्ट आ गई। यहां पर आएंगे नीचे, नीचे आकर के इसको करा लेंगे एक्सेप्ट, ठीक है, नरेशन डालना चाहे तो डाल सकते हैं। अब इसके लिए हमें पेमेंट करना है, क्योंकि हमने किया है परचेस तो हमें पेमेंट ही करना है, तो पेमेंट पे आ जाएंगे, F5 प्रेस करके पेमेंट वाउचर में आइए। यहां पर क्या करना है, यहां पर आपको लगाना है वो लेजर, ठीक है, तो यार सुरेश का लेजर लगाते हैं, तो यहां पे देखिए 1100 रुपए दिखा रहा है इसमें पेंडिंग, ठीक है, तो यहां पे अगर 1100 हम डालते हैं, ठीक है, तो ये देखिए जैसे ही 1100 डालेंगे तब ये विंडो ओपन हो जाएगी, लेकिन ऐसे आप चाहेंगे कि ये विंडो ओपन हो जाए तो नहीं ओपन होगी। अब ये अगेंस्ट रेफरेंस है, अगेंस्ट रेफरेंस यानी जो कि आपने परचेसिंग की थी उसके अगेंस्ट में आप पेमेंट कर रहे हैं, तो अगेंस्ट रेफरेंस पे कर्सर अपने आप आ गया है, ये देख सकते हैं यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस पे कर्सर अपने आप आ गया है। अगर ये कोई न्यू रेफरेंस होता तो कर्सर न्यू रेफरेंस पे चला जाता, ठीक है, तो एंटर प्रेस कीजिए, बिल नंबर भी आपको शो करेगा, देखिए ये बिल नंबर हमने जो डाला था वही शो कर रहा है, एंटर प्रेस कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, यहाँ पे क्रेडिट में कैश कर दीजिए, हो गया काम, बस इसीलिए ये विंडो शो नहीं करती है। आई होप की बात समझ में आ गई होगी इस छोटे से वीडियो से। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।